अच्छा ऊपर नीचे पूरा पूरा फ्रीज हो जाएगा, फोर डोर्स ऑल, बिल्कुल। ये 5 डिग्री हो गया, माई जोन पे कर हो गया, तो माई जोन पे फ्रिज बन जाएगा। नीचे वाला दोनों? दोनों में। वो तो कह रहे थे एक बनेगा, ये वाला दोनों बन जाएगी मैम। कूलिंग इसकी सारी अंदर से आएगी, इसकी सारी कूलिंग अंदर से आएगी। नहीं नहीं सर गलत आप बता रहे हैं। हाँ। नीचे वाला दोनों? दोनों में, दोनों बन जाएंगे मैम। आपको कंफ्यूजन है इस चीज का, माई जोन भी है। माई जोन जो है वो राइट डोर है। हाँ जी, ये माई जोन हो जाएगा, इसके अंदर आप जो अपना सामान रख सकते हो, एक साइड वाला डोर। बिल्कुल मैम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, और यू आर वाचिंग मिस्टर मिसेस बग्गा। और आज हम यहाँ पे हायर का एक फ्रिज लेके आए हैं जो कि 712 लीटर है, HRB 738 मॉडल। तो आप देख सकते हैं ये जो फ्रिज है ये है हायर का फ्रिज, 738 HRB 738 मॉडल है जो कि 712 लीटर है। मैं आपको दिखाता हूँ आज, ये अभी हम यहाँ पे ये रख के गए हैं और अब डेमो के लिए आए हैं कंपनी से, हायर की कंपनी से डेमो के लिए आए हैं। सो ये मेरे साथ खड़े हैं, हायर कंपनी से आए हैं और ये डेमो देने वाले हैं इस फ्रिज के बारे में जो कि 712 लीटर है। इसकी एक स्पेशलिटी है जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा। इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है जो कि एक नॉर्मल फ्रिज में, साइड बाई साइड के फ्रिज में नहीं होती है। ये एक फ्रिज की क्वालिटी मैं आपको दिखाऊँगा और ये बताएंगे। तो ये डेमो के लिए आए सर, क्या नाम है आपका? करम सिंह। करम सिंह आए हैं फ्रॉम हायर और हायर पंजाब। सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले हम स्विच ऑन कर रहे हैं, इसके नीचे व्हील भी लगे हुए हैं जो कि हम मूव कर सकते हैं, बैक फ्रंट कुछ भी कर सकते हैं। ये है साइड बाय साइड के 4 डोर्स का फ्रिज। ये पूरा अंदर जो पैनल है वो आप जो देख रहे हो स्क्वायर पैनल, दैट इज़ फॉर LED लाइट, और एक ब्लू लाइट ऊपर से भी है वो देखो आप, एक ऊपर एक और लाइट है। एंटी विक्टोरिया सर। वो क्या है सर? ब्लू वाली एंटी विक्टोरिया, जो ब्लू वाली, जो ब्लू वाली लाइट है वो एंटी बैक्टीरिया लाइट है, जो कि हमारे सामान में जो स्मेल वगैरह होती है ना, जो स्मेल वगैरह होती है उसको थोड़ी देर ऑन होती है, उसके बाद वो स्मेल उसकी खत्म हो जाती है। अच्छा जी जी, उसके लिए। ये हो गया माई जोन, आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है ये माई जोन। ये माई जोन हो गया, लेफ्ट जोन हो गया फ्रीजर, और ऊपर वाला हो गया फ्रीजर। सो ये देखो आप फ्रिज, माई जोन, फ्रीजर। फ्रिज को हमने +5 करना है, माई जोन अगर फ्रिज यूज करना है, या माइनस पे फ्रीजर जी। और ये हो गया फ्रीजर -21, टच करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा, है ना? 3 सेकंड। हाँ बिल्कुल, 3 सेकंड के लिए फिर उसको लॉक हो जाएगा। हॉलीडे के लिए आपने बताया सर, जैसे हम बाहर जा रहे हैं छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो आप हॉलीडे पे इसका लगा दो। अच्छा, तो ये अपने आप ही इसका सेट कर लेगा 17 डिग्री। 17 जी, इसके अंदर जो भी आप सामान रखोगे वो खराब नहीं होगा, चलता रहेगा। और 17 फ्रीजर भी 17 पे आ जाएगा? नहीं, फ्रीजर कम पे चलेगा सर। अच्छा, फ्रीजर चलेगा 4-5 पे, वो अपने हिसाब से ही हैंडल करेगा इसको। ठीक है, मतलब हॉलीडे अगर हमने कहीं घूमने जाना है तो वो हम हॉलीडे मोड पे करके 17 डिग्री ऊपर हो जाएगा, और माइनस में जो फ्रीजर है वो नॉर्मल आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, वो एक बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के लिए बेनिफिट है ना जी सर। और क्या बेनिफिट है इसका? फ्रिज सर, ये फ्रिज में अपने आप ही जो भी फंक्शन है इसके अपने आप ही देगा, सारे कुछ फ्रिज कर दोगे आप, इसके अंदर ABTV आ जाएगा आपका, और जो फ्रीजर है टेम्परेचर वगैरह फ्रिज का, वो सारा अपने आप ही कंट्रोल कर लेगा सारा कुछ। तो मैनुअल हम कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, जैसे वाशिंग मशीन होती है ना फ्रिज, उसके मैनुअल कर देते हैं। हां, उसके ऊपर दबा दो, वो मैनुअल सारा काम करेगा। अच्छा, फजी चलाना तो फजी चलाओ, नहीं तो मैनुअल कर। बिस्मिल्लाह। किसके साथ ये बॉक्स है सर? इसको जैसे भी आपने इसके अंदर पानी डालना है वो इसे डाल के ऐसे पानी डाल सकते हो। अच्छा, जैसे बर्फ आपकी टुकड़ी हो जाएगी उसको आप ऐसे कर। अच्छा, वो ऐसे करके अपना इसी के अंदर आप करेंगे तो वो ट्रे के अंदर आ जाएगी, उससे निकाल सकते हो। अच्छा, इससे निकाल सकते हो। अच्छा, ये बर्फ का लिया होगा। ओके जी, गुड। ये कहाँ लगाना है? ये वाला फ्रीजर जोन में हमने ऐसे रखना नॉर्मल जी। अच्छा, ये बेसिकली आइस के लिए हो गया, ये आइसक्रीम के लिए हो गया, आइसक्रीम के लिए जो भी रखते हो, फ्रीजर बॉक्स है। तो फ्रीजर बॉक्स है, ठीक है।
जैसे कोई भी चीज हुई। इसमें स्टेबलाइजर तो इनबिल्ट है? बिल्कुल है जी, इसको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है जी। ओके, देखो सर ऐसे है, अगर वोल्टेज कम आए तो ये वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वोल्टेज हाई आ गए उसको कोई भी चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसमें 220, 230, 240 तक के अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हाई आ गई 300 आ गई तो ये कंट्रोल नहीं कर सकते। 10 साल कंप्रेशर, 10 साल। अच्छा, इन्वर्टरी मोटर इसके अंदर इन्वर्टरी कंप्रेसर है दोनों चीज। ठीक है, कि इन्वर्टर जैसे ये कहते हैं ना, कोई कहते हैं इन्वर्टर पे हमारा चलना चाहिए, नहीं सर इन्वर्टर पे नहीं चलता है। ये इन्वर्टर होता है कि जैसे इन्वर्टर हमारी लाइट कम लेता है, जैसे इन्वर्टर एसी हो गए, इन्वर्टर एसी हमेशा क्या होता है कि जैसे चल गए मोटर्स की जैसे चलती रही बंद हो गई, स्लो स्लो चलेगी, जितनी वोल्टेज कम लेगा जैसे हमारा इन्वर्टर है बैटरी है उतनी ही वोल्टेज ही लेगा, लेकिन चलता हमेशा पावर पे ही है मेन पे। अच्छा, मतलब इन्वर्टर अपना एक टेक्नोलॉजी का नाम है, इन्वर्टर का मतलब ये नहीं कि इन्वर्टर पे चले, इन्वर्टर पे चले। ओके, सो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये एक हायर का फ्रिज है जो कि करम सिंह फ्रॉम हायर, आपने देखा ये पंजाब हायर तरफ से आए हैं, इन्होंने ये चीज़ समझाई है कि हायर की क्या डेमो दी है बेसिकली, कि कैसे इसका फंक्शंस है, क्या इसके फीचर्स हैं, और ये फोर डोर्स का जो फ्रिज का फीचर हमने आपको समझाया और हमने आपको दिया है, ये जो ये है MRP इसकी 1,85,000 पकड़, ये मुझे पड़ा 1,10,000 का। सो ये बेसिकली बहुत ही अच्छा फीचर है, इसकी स्पेशल फीचर ये है कि ऊपर ये फ्रिज है और नीचे फ्रीज़र हो गया, और इसमें फोर्थ डोर आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रिज में और फ्रीज़र में, 712 लीटर्स का। सो गाइस अगर आप भी प्लान कर रहे हो फ्रिज लेना, सो यू कैन गो फॉर दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।